हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के अंदर किसी भी फोटो के अंदर का ऑब्जेक्ट रिमूव करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल मेनू में जाकर ओपन के ऊपर क्लिक करके आपको वो फ़ोटो ओपन करना है जिसमें से आप अपना ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ओपन कर लिया है और फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको किसी भी सिलेक्शन टूल से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से लासो टूल से अपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लासो टूल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह सेलेक्शन कर लिया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेलेक्शन को क्रिएट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने एडिट मेनू में, और एडिट मेनू में जाने के बाद आपको फिल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप एक बार यहां पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फिल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको यहां पे यूज करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहां पे क्लिक करके कंटेंट अवेयर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइप है कंटेंट अवेयर, तो आप एक बार यहां पर क्लिक करिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहां पे ब्लेंडिंग के कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको मोड को नॉर्मल और ओपेसिटी को 100% रखना है। इसके बाद आप डायरेक्ट यहां से ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ही देर में रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट था ये यहाँ से रिमूव हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो है इसके अंदर अभी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कुछ शेप छूट गया है। अगर आपको इसको सही करना है तो आप दोबारा अपने सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से जाना है आपको अपने एडिट मेनू में। इसके बाद आपको फिल के ऊपर क्लिक करना है और आपको वो पूरा सेटअप करके ओके कर देना है। ओके करते ही आपका जो फोटो है इसके अंदर से ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा जो आप यहां पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और फ़ोटो पे ये प्रोसेस करके दिखाता हूं। इसके लिए आपको फाइल में जाकर ओपन के ऊपर क्लिक करके आपको कोई भी एक फ़ोटो ओपन कर लेना है। फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपका जो फ़ोटो है इसके अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको आप अपने सिलेक्शन टूल के सहायता से सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने एडिट मेनू में। इसके बाद आपको क्लिक करना है फिल के ऊपर, और फिल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फिल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें जो भी सेटअप मैंने बताया था वो पूरा सेटअप कर लेना है, और सेटअप को करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। इसको ओके करते ही कुछ ही देर में आपके फ़ोटो के अंदर से आपका ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं जो मेरा ये फ़ोटो है इसके अंदर से मेरा ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया जो आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को किसी भी फ़ोटो के अंदर का ऑब्जेक्ट रिमूव करना बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।